नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पावर का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आर पावर और दोस्तों एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर शेयर है। स्टॉक का प्राइस अच्छे खासे मोमेंटम के साथ 22.85 रुपए पर देखने को मिल रहा है। 0.20 पैसे का स्टॉक में प्राइस मोमेंटम देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। और दोस्तों यहाँ पर 0.88% का रिटर्न स्टॉक में वन डे देखने को मिल रहा है दोस्तों, यानी कि एक दिन का ये रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छे खासी बाइंग साइड मोमेंटम बनी हुई दोस्तों देखने को मिली थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा गिरावट के साथ स्टॉक को क्लोजिंग देखने को मिला है दोस्तों। बात करें सप्ताह के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे खासी मोमेंटम स्टॉक में बनी है। 10% का रिटर्न एक सप्ताह के अंतर्गत देखने को मिल रहा है आर पावर के शेयर में। और 2.20 पैसे का गिरावट स्टॉक, 2.20 रुपए का गिरावट स्टॉक देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो बात करें यहाँ पर महीने की, तो एक महीने के साथ यहाँ पर 4.20 रुपए का प्रॉफिट है और 22% का रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पर देखने को मिला है। 25 अक्टूबर इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा था 15 रुपए, और दोस्तों आज की डेट में यहाँ पर स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रहा है 22.85 रुपए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे खासी मोमेंटम के साथ स्टॉक यहां पर देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के चार्ट के अगर हिसाब से देखें रिलायंस पावर के शेयर में, तो यहां पर स्टॉक हाई देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का हाई यहां पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और एक साल के चार्ट के हिसाब से भी यहां पर स्टॉक हाई पर देखने को मिल रहा है। 46% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है वन डे, बहुत ही अच्छा खासा। 2023 में 27 मार्च को शेयर का प्राइस यहाँ पर 9.80 रुपए थी, और आज की डेट में 22 रुपए देखने को मिल रही है। 7.25 रुपए का प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर चार्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है दोस्तों। और 40% का रिटर्न है यहाँ से देखे तो, और भी ज्यादा रिटर्न और भी ज्यादा प्रॉफिट। यहाँ पर अगर बात करें 27 मार्च 2023 से, तो 9 रुपए यानी कि 10 रुपए मान ले, तो 10 रुपए से लेकर 22 रुपए माइनस करें 22 में से 10, तो यहाँ पर तो दोस्तों 11 रुपए का प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों 11-12 रुपए का प्रॉफिट स्टॉक में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम के साथ स्टॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें 5 ईयर के चार्ट के हिसाब से, तो स्टॉक की गिरावट होने की संभावना है, बनने की संभावना बन सकती है। बात करें तो 5 ईयर के चार्ट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर स्टॉक का जो कि हाई ब्रेक हुआ है, तो दोस्तों और ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। ऑल टाइम के सब स्टॉक में गिरावट देखने को बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है दोस्तों। 747 रुपए की गिरावट है, 95% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है, यानी कि स्टॉक यहाँ पर धीरे धीरे उबरता हुआ देखने को मिल रहा है। रिलायंस पावर का शेयर 2 डेज लो जो कि यहाँ पर देखने को मिला है 22.35 रुपए, 2 डेज हाई 23.75 रुपए, 52 सप्ताह का लो 9.05 रुपए, और 52 सप्ताह का हाई 23.75 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ से थोड़ी सी गिरावट होने की संभावनाएं बन सकती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से बाइंग सेल करें दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।